छह सात सक आए थे सिकंदर लोधी लूणकरण राव लूणकरण बीकानेर का और जैत्र सिंह और सातल देव और राणा सागा और एक और था ये जामुन जी से मिलने आए और प्रभावित हुए। हेलो साथियों नमस्कार, मेरे साथ है मनीष जी तिवाड़ी और आप दौसा से हो। दौसा शहर इनको बिश्नोई समाज की इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जो मुख्य जो नॉलेज होना चाहिए इनको काफ़ी नॉलेज है, तो आप जानो जामू जी का जन्म बता सकते हो कब हुआ? 1451 के अंदर। और बिश्नोई पंथ की स्थापना जामू जी ने कब की? 1485 के अंदर। और हमारे जैसे बिश्नोइयों के जो जैसे ग्रंथ होते हैं मुख्य ग्रंथों के बारे में आप बता सकते हो? जम्बवाणी, जम संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश और सप्तवाणी। अच्छा, जामू जी से जो जुड़े हुए कुछ मुख्य स्थान है उनके नाम बता सकते हो? रोटू गांव नागौर, रोटू अच्छा, और कतियासर अभाव रोटू गांव नागौर, एक सम्राटल तो सम्राटल के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है वहाँ पे? ये निर्वाण समाधि स्थल है। नहीं, सम्राटल दौरा बीकानेर मुकाम वो है समाधि स्थल। नहीं, मुकाम है सम्राटल। हाँ, लाल असर गांव तो है इसका निर्माण। निर्माण है जामुन जी का स्थल। और मुकाम है उपदेश समाधि स्थल। समाधि स्थल, समाधि स्थल तो है और मुकाम। हाँ, सम्राटल क्या है? सम्राटल उपदेश दिया था, उपदेश दिया था। अच्छा, इसके अलावा विष्णु धर्म के बारे में कुछ जानते हो आप लोग? विष्णु धर्म का पहला विंचो जी था, फूलो जी था, पहला करवाड़ा मधोदरा नाम स्थान पर इसकी स्थापना हुई विष्णु धर्म प्रकाश की। कहाँ पे? विष्णु दौदोरा सम्राटल दौदोरा बीकानेर में। और छह शासक आए थे सिकंदर लोधी लूणकरण राव लूणकरण बीकानेर का और जैत्र सिंह और सातल देव और राणा सागा और एक और था। ये जामू जी से मिलने आए और प्रभावित हुए। सिकंदर लोधी ने प्रभावित होकर कुछ किया? सिकंदर लोधी ने प्रभावित होकर को हत्या प्रतिबंध लगाया और एक इसने पेड़ पौधों पर कटाई को रोका था। और विष्णु समाज के बारे में आप क्या जानते हो? सही समाज है, अच्छा समाज है। अच्छा अच्छा, आपको बिश्नोई धर्म ने प्रभावित किया होगा, बिश्नोई पंथ ने प्रभावित किया होगा। आपको बिश्नोई पंथ की कौन सी ऐसी बातें जो आपको प्रभावित करती है ज्यादा? सबसे अच्छा तो है कि एक ही उस पे जोर दिया उसने। क्या? पर्यावरण पे जोर दिया, पर्यावरण को बढ़ावा दिया उन्होंने। जी जी, और बाकी एक और नियम बता दो जो आपको अच्छे लगे। और तो ये क्या है कि बकरी नहीं पालते, ऐसी कोई वो भी है धार्मिक परंपरा भी है इनके अंतर्गत। और जीवों के प्रति इनका वो संदेश, वो जीवों के प्रति संदेश है, जब तो पर्यावरण को बचाते हैं तो जीवों को बचे, जीवों की रक्षा करेंगे। जी जी जी, तो इन्होंने देखो बिश्नोई पंथ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और मैं सभी भाइयों से, देखो ये भाई है दौसा से है, ब्राह्मण है, लेकिन बिश्नोई जो धर्म है उनके बारे में इनको काफ़ी कुछ नॉलेज रहा है और इन्होंने बताया। जब मैंने इनसे बातचीत करके देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मेरे साथ कई बातें की, हमारे मुद्दे भी बातें की, मैंने भी इनसे कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो पूछी और इन्होंने भी क्या है कि मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हो, क्या हो, तो मैं बीकानेर से हूँ मैंने इनको बोला। तो इन्होंने पूरी की पूरी जो है मेरे बताने से पहले, मेरा परिचय देने से पहले इन्होंने सब कुछ बता दिया। मैं मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका।